मैंने पिछले वीडियो में बताया था इस तरह का हॉरिजॉन्टल टैंक का वॉल्यूम कैपेसिटी पता करने के लिए कि इसमें कितना लीटर लिक्विड आएगा। ठीक है दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि अगर इस तरह का वर्टिकल सिलेंडर हो तो उसका हम वॉल्यूम कैसे पता करेंगे, उसमें कितना लीटर लिक्विड आएगा, ऑयल आएगा, उसे हम कैसे पता करें। इस वीडियो में मैं आसान कैलकुलेशन के माध्यम से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, सिंपल सा टच करके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे सामने एक रिफ्रिजरेशन ऑयल का ड्रम पड़ा हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये वर्टिकल में है, वर्टिकल में है ये, तो इसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि इसमें कितना लीटर लिक्विड और बचा हुआ है, यानी इसमें कितना लीटर कंप्रेसर ऑयल और बचा हुआ है, उसको भी हम पता करेंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम इसका डायामीटर माप लेंगे, इस ड्रम का डायामीटर यहाँ से लेकर और वहाँ तक डायामीटर हम माप लेंगे, हम इंची में इसे माप लेंगे। ठीक है, और इसका जो हाइट है ये भी हम इंचेस में मापेंगे। ठीक है, आप चाहें तो सेंटीमीटर में माप सकते हैं, फीट में माप सकते हैं या मीटर में माप सकते हैं, मैं सिर्फ इसमें इंचेस से मापूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए माप लेते हैं। तो दोस्तों मेरे पास ये टेप है मापने वाला, सिंपल सा यहाँ से मैं पकड़ लेता हूँ, और यहाँ देख सकते हैं कि ये 22 इंची है। ठीक है, 22 इंची यहाँ इसका डायामीटर है। अब इसका हाइट जो है ये इंचेस में माप लेते हैं, तो नीचे से यहाँ से पकड़कर और यहाँ माप रहे हैं तो देख सकते हैं कि 34 इंची है। ठीक है, 34 इंचेस इसका हाइट है, और इसके साथ साथ इसमें अंदर कितना लिक्विड और बचा हुआ है उसे पता करने के लिए दोस्तों इसमें जो ऑयल है, ऑयल को हम मापेंगे। देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे पास एक स्टिक है, ठीक है, लंबा स्टिक है एक, तो मैंने यहाँ देख सकते हैं कि इस पर मैंने एक इंची का ग्राफ बना लिया है, एक एक इंची पर मैंने ग्राफ बना लिया है। ठीक है, और ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए मैं बीच में हाफ इंची का भी मैंने मार्क लगा दिया है। ठीक है, तो इसको हम इसके अंदर में डालकर देखेंगे कि कितना इंचेस ये होता है लिक्विड, फिर इसके माध्यम से हम इसकी क्वांटिटी को फाइंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें 22 इंची पर इसमें लिक्विड है। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया कि 22 इंची इसके हाइट में, ड्रम के हाइट में 22 इंची तक इसमें लिक्विड भरा हुआ है। अब इसे हम इसके मदद से पता करेंगे कि ये कितने लीटर अभी बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने एक ड्रम बना लिया है, तो देख सकते हैं कि ये वर्टिकल में है। ठीक है, ये वर्टिकल में है, तो इसका जो हाइट हमने मापा था ये था 34 इंची यानी 34 इंचेस, और इसका जो डायामीटर था ये था 22 इंचेस, और इसमें जो लिक्विड का लेवल था जिसमें हमने स्टिक लगाकर मापा था इसका लेवल था ये भी 22 इंचेस था। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका रेडियस ले लेंगे, इस सिलेंडर का डायामीटर को आधा करेंगे तो ये रेडियस हो गया। तो हमारा डायामीटर था 22 इंचेस, तो इसमें डिवाइड करेंगे 2 से तो इक्वल टू 11 इंचेस। ठीक है, तो ये रेडियस हो गया, तो रेडियस कितना हो गया, ये हो गया 11 इंचेस, हाइट हो गया 34 इंचेस, 34 इंचेस, और लिक्विड का लेवल है ये लेवल हो गया 22 इंचेस। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसका हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला होगा वही पाई आर स्क्वायर एच यानी हाइट। ठीक है, ये हमारा फार्मूला लगेगा, और दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पाई का मान होता है 22/7, ये हमें याद रखना है क्योंकि हर सिलेंडर का कैलकुलेशन करते वक्त यही लगेगा। अब हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू पाई का मान कितना है, 22/7 इंटू हमारा रेडियस कितना है, रेडियस 11 इंची है, हम 11 हमारा रेडियस जो है ये स्क्वायर में है, यहाँ स्क्वायर है रेडियस, तो हम इसको दो बार रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 11। अब कितना है हाइट जो है हमारा इंटू 34 इंचेस। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों 22, 11, 11 और 34,
इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 34, ठीक है 90,508 है। ठीक है, अब यहाँ हमें 7 से डिवाइड करना है, तो हम भगा दे देते हैं 7 से, तो ये आ गया 12,929.71। यहाँ हम लिख लेते हैं 12,929.71, ये हो गया क्यूबिक इंचेस में, ये वॉल्यूम हो गया क्यूबिक इंचेस में। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे क्यूबिक मीटर में, क्योंकि दोस्तों पिछले वीडियो में बताया था कि एक मीटर इधर से और एक मीटर इधर, इसको हम चौकोर बना देंगे तो ये स्क्वायर में आ गया, यानी लंबाई गुने चौड़ाई ये स्क्वायर होता है किसी एरिया को फाइंड करने के लिए। अब दोस्तों इसमें ऊंचाई भी हम एक मीटर बढ़ा देंगे, एक मीटर ऊंचाई भी बढ़ा देंगे, तो ये हो गया लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो गया क्यूबिक मीटर में, तो ये 1 क्यूबिक मीटर में हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बताया था कि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर कोई भी लिक्विड आता है, चाहे अमोनिया हो या पानी हो या ऑयल हो, कोई भी लिक्विड 1 क्यूबिक मीटर के एरिया में 1000 लीटर आता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये क्यूबिक इंचेस में आया हुआ है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे क्यूबिक मीटर में। ठीक है, तो क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों हम यहाँ लिख लेते हैं 12,929.71। अब हम इसमें डिवाइड करेंगे दोस्तों 61,023.75 से। दोस्तों ये 61,023.75 1 क्यूबिक मीटर के बराबर होता है, यानी 1 क्यूबिक मीटर में 61,023.75 क्यूबिक इंचेस होता है। ठीक है, तो इसमें हम डिवाइड करेंगे, तो चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि 12,929 है, हम सिंपल सा इसमें डिवाइड करते हैं 61,023.75 से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि 0.2118। ठीक है, तो हम 0.22 लिख लेते हैं। ठीक है, 0.212 ये हो गया क्यूबिक मीटर में। अब ये क्यूबिक मीटर में दोस्तों आ गया, तो हमें पता ही है कि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर कोई भी लिक्विड आता है, तो हम इस क्यूबिक मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वहां देख सकते हैं दोस्तों कि 211.8 ये लीटर ऑयल हो गया या कोई भी लिक्विड हो गया। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 लीटर से, तो ये हो गया 211.8 लीटर लिक्विड। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये पता लग गया दोस्तों कि इसका फुल कैपेसिटी, तो इसमें 211 लीटर या 12 लीटर के आसपास इसमें लिक्विड आएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि इसमें यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ऑयल भरा हुआ है, तो इसका जो हाइट है ये 22 इंच है, तो इसका हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये कितना लीटर बचा हुआ है। इसके लिए दोस्तों फिर से हमें वही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पाई का मान ले लेते हैं 22/7 इंटू रेडियस हमारा है 11 इंची। ठीक है, तो 11 इंची को हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रेडियस स्क्वायर में है। अब इसमें हाइट हमारा है, अब ये हाइट हम जोड़ेंगे जो लिक्विड का लेवल है उसका हाइट हम यहाँ 22 इंची कर देते हैं। ठीक है, अब इसे हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों 22 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 22। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि 58,564 है, अब इसमें डिवाइड करेंगे 7 से, तो हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि 8,366.29 है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 8,366.28 है, तो मैं 29 ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये आ गया क्यूबिक इंचेस में, ये क्यूबिक इंचेस में है, अब इसे हम चेंज करेंगे क्यूबिक मीटर में। ठीक है दोस्तों, क्यूबिक मीटर में चेंज करने के लिए दोस्तों मैंने बताया था इसमें हम डिवाइड करेंगे 61,023.75 से, अब इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड
61,023.75 इज इक्वल टू, यहाँ देख सकते हैं कि ये आ गया, ये आ गया 0.0138, ठीक है। अब ये क्यूबिक मीटर में आ गया, तो हमें पता ही है दोस्तों कि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर आता है कोई भी लिक्विड। तो इस क्यूबिक मीटर में हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि 137.09 लीटर लिक्विड अभी बचा हुआ है, ठीक है। 137 लीटर इसमें अभी जो नीचे है देख सकते हैं कि इसमें 137 लीटर ऑयल बचा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने फाइंड कर लिया कि पूरे ड्रम का कैपेसिटी कितना है, ठीक है। यहाँ पर कम ज्यादा हो सकता है कैपेसिटी पूरे ड्रम का, क्योंकि उसको उसका डायमीटर और हाइट मेजरमेंट करने में इधर उधर होगा, तो यहाँ इसके क्वांटिटी में भी फर्क आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो उसी तरह हमने फाइंड कर लिया कि जो बचा हुआ लिक्विड है वो कितना है, वो 137 लीटर के आसपास है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह बड़ी आसानी से आप इसे फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों इस स्टिक से मैंने मापा था तेल को, जो कंप्रेसर ऑयल है इसको मापा था ड्रम में। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 1 इंची में कितना लीटर आएगा, तो आप बड़ी आसानी से इसे आप माप सकते हैं। तो एक फैक्टर आपको बनाना पड़ेगा कि 1 इंची में कितना लिक्विड और कितना ऑयल आता है, तो उसका कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप एक फैक्टर के माध्यम से पूरे को आप मल्टीप्लाई कर सकें और कितना लीटर अंदर लिक्विड बचा हुआ है आप खुद तुरंत पता कर सके। इसके लिए मैं 1 इंची का वैल्यू निकालता हूं, ठीक है दोस्तों। तो हमें यहां देखते हैं जो हाइट है, हाइट में यहां हम 1 इंची का ही वैल्यू निकालेंगे, 1 इंची का। तो चलिए निकालते हैं, वही फॉर्मूला लगेगा दोस्तों कि पाई का मान 22/7 इंटू हमारा रेडियस कितना है 11 × 11 और गुने हमारा लिक्विड कितना है 1 इंची का निकालना है। तो यहाँ हम 1 इंची दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 22 × 11 × 11 × 1, ठीक है दोस्तों, इतना आ गया दोस्तों। अब इसमें हम डिवाइड करना है 7 से, तो हम भगा देते हैं 7 से, ठीक है। 380.29 हो गया, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 380.29, ठीक है। तो ये क्यूबिक इंचेस में आ गया, क्यूबिक इंचेस में आ गया, ठीक है दोस्तों। अब इसे हम डिवाइड करेंगे कितना से, क्यूबिक मीटर में करना है इसे, तो इसमें डिवाइड करेंगे 61,000 से, 61,023.75 से। तो इसमें करते हैं डिवाइड बाय 61,023.75, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कितना आया 0.00623। यहाँ हम लिख लेते हैं 0.00623, यहाँ 1 7 है तो हम यहाँ 2 दे देते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों क्यूबिक मीटर में आ गया। अब इसमें क्यूबिक मीटर में आ गया तो हमें पता है इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लीटर में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तब इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ गया 6.232 लीटर हम बोल देते हैं। तो ये 6.25 लीटर के आसपास ऑयल होता है 1 इंची में, यानी एक इस स्टिक में 1 इंची के एरिया में 6.25 लीटर का ऑयल आता है, ठीक है। तो इतना में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना इसमें आएगा लिक्विड, इस स्टिक में जितना लिक्विड आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मानते हैं इसमें 10 इंची आया, तो इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहां देख सकते हैं 62.62 लीटर, ठीक है, 62.31 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी लीटर में है। तो दोस्तों इस तरह आप इस तरह का स्टिक बना सकते हैं निशान लगाकर 1 इंच का, और 1 इंची में लगभग 6.25 लीटर का ऑयल आता है। तो इसे जितना होगा उतना मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ड्रम में कितना लिक्विड होगा वो पता लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह बड़ी आसानी से आप इसके ड्रम को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिक्विड के लेवल को उसे लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बड़ी आसानी से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।